राजगढ़ में ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह खींची को अपने एक समर्थक के साथ हुई मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए राजगढ़ के छापीहेड़ा थाने में धरने पर बैठना पड़ा। मामला मंत्री समर्थक पर उसकी पत्नी मनीषा ने दहेज का केस दर्ज कर रखा है। वहीं मंत्री समर्थक और उसकी पत्नी के दोस्त के साथ मारपीट हो गई। शिकायत करने पर भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। सूचना मिलने पर ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह थाने पहुंचे। पुलिस के रवैये के विरोध में करीब आधे घंटे धरना दिया। इसके बाद एसपी ने दो आरक्षकों को निलंबित करके आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। छापीहेड़ा में कल रात को एक विवाद हुआ था, जिसमें एक इंदौर के वकील हैं वो वहाँ पर उपस्थित थे। उसी दौरान रुपेश दागी, जो कि इस प्रकरण में जिनके साथ मारपीट की गई है, जो अभी भोपाल में भर्ती हैं, पुलिस द्वारा उनको भर्ती कराया गया भोपाल में, इसके संबंध में ओम प्रकाश दागी के विरुद्ध FIR की गई है धारा 307 की। इसमें थाने में जो पदस्थ आरक्षक थे उनकी लापरवाही परिलक्षित हुई है कि इनके होने के बावजूद वो ओम प्रकाश दागी थाने से निकल गए। इसके संबंध में दोनों आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नाजलीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाजलीन, FIR दर्ज की नहीं की गई है, जिस वजह से ऊर्जा मंत्री धरने पर बैठे हैं। जी, राजगढ़ के छापेड़ा थाने में ऊर्जा मंत्री ने धरने पर बैठना पड़ा जी। इसके बाद एसपी ने दो आरक्षकों को निलंबित किया। पूरी वजह क्या थी, विस्तार से बताएं। छापेड़ा थाने में ऊर्जा मंत्री धरने के बाद दौरान ने दूसरे पक्ष की कार्रवाई में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, इसी कारणवश उनको धरने पे बैठना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो धरने पर बैठे देखे ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश के।